सभी का स्वागत एक बार फिर से। समझेंगे गुरुत्वीय त्वरण को, और ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है और गुरुत्वीय त्वरण क्यों होता है, इन चीजों का क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसकी वजह से वह किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। देखिए, यहां से किसी वस्तु को ऊपर से हम गिरा रहे हैं, कहां पे गिरा रहे हैं, धरातल पर, पृथ्वी पर गिरा रहे हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी की तरफ क्या लगता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थात एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। हम जानते हैं कि पृथ्वी की ओर एक बल लग रहा है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये मेरे पास एक मार्कर है और इस मार्कर का ये क्या है, एक कैप है। इस कैप को मैं यहाँ से गिरा रहा हूँ। इस प्रकार से गिराने का मतलब है ऊपर से इसको मैंने मुक्त रूप से छोड़ दिया। तो जब कभी भी किसी भी वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो मुक्त रूप से छोड़ने पर वह वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर अट्रैक्ट होती है, और जिसके कारण उस वस्तु के अंदर एक त्वरण अर्थात एक एक्सीलरेशन आ जाता है। इस त्वरण को हम कहते हैं जी। इस त्वरण को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं। और ये त्वरण किस वजह से आया, तो ये त्वरण आया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और क्यों आया, क्योंकि हमने किसी वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ दिया। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर हम कैलकुलेट करें तो नॉर्मल इसका मान आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मान आता है पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का। तो एक बार वापस से समझ लीजिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो इसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जब कभी भी हम किसी भी वस्तु को ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ देते हैं तो पृथ्वी की तरफ से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस पर एक त्वरण लगता है जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये क्यों लगता है, क्योंकि यहां पर पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है जिसकी वजह से उस वस्तु पर क्या लगता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, और जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इजीली आपको ये चीज आसानी से समझ में आ चुकी होगी। लगातार ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।